राजधानी भोपाल में प्लॉट के नाम पर फिर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर प्लॉट बेच दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने दो लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जमीन को फर्जी तरीके से दस्तावेज लगाकर प्लॉट बेच दिया। फरियादी चंद्रेश कुमार सोनी ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया है कि नरेंद्र भगत और विनोद कुशवाहा ने उसके नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर प्लॉट को बेच दिया। उसके फोटो के स्थान पर किसी दूसरे का फोटो लगा दिया है। इस तरह उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस शिकायत के बाद एक नरेंद्र भगत और विनोद कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है। एक आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर उसका रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। लाइक चंद्रेश कुमार सोनी जी है, जो आस्था विहार कॉलोनी फेस वन में रहते हैं। ये उस समय आस्था विहार कॉलोनी की जो कॉलोनी कटी थी उसके तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे। कॉलोनी जो कॉलोनाइजर है अपने नरेंद्र भगत, ये भी वहीं अवधपुरी में रहते हैं, और इनका साथी है विनोद कुशवाहा। इन लोगों ने क्या करा था कि ये कॉलोनी आस्था विहार कॉलोनी जो कटी थी उसमें कुछ भूखंड बंधक रखे जाते हैं अपने नगर निगम को। इन्होंने तत्कालीन जो अध्यक्ष थे चंद्रेश कुमार सोनी के फर्जी सील और फर्जी हस्ताक्षर करके वो जो भूखंड नगर निगम में रखे थे उसको मुक्त कराकर उसको बेच दिया। ये आवेदन पत्र की शिकायत अवधपुरी थाने को प्राप्त हुई थी। उसके बाद ये घटनास्थल यहाँ इन्होंने नोटरी कराई थी, फर्जी नोटरी, जिस कारण से घटनास्थल यहाँ का होने से यहाँ कल रात में कायमी करके एक आरोपी को तत्काल विनोद कुशवाहा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसको आज न्यायालय क्या, क्या, क्या आरोपी ने पूछताछ में तो अभी उसने ये नहीं बताया कि हमने ये फर्जी सील या दस्तखत किए हैं, मगर उसकी फर्जी सील और हस्ताक्षर की जांच कराई गई तो वो विनोद के ही पाए गए। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये आरोपी अशोक गार्डन का रहने वाला है। अभी तक क्या निकल कर आया सामने? अभी निकल कर ये आया है कि ये दोनों आरोपी ने फर्जी सील और उसके हस्ताक्षर करके जो भूखंड था उसको मुक्त करा के और इन्होंने विक्रय कर। इस अपराध के अलावा उसको कोई और अपराध? इसके अलावा तो अभी नजर में उनके अपराध नहीं आए हैं और हर थानों से ली जा रही जानकारी। अगर कोई अपराध हो